अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ तो ना मैं आज दोपहर से ब्लॉग बनाना शुरू किया है और अभी जौहर का टाइम हो गया था तो मैंने नमाज़ पढ़ लिया है और अभी मैं कुरान पढ़ रही हूँ तो अभी मैं आधा एक घंटे तक कुरान पढ़ूँगी उसके बाद मैं इफ्तार वगैरह की तैयारी करती हूँ जब मुझे वीडियो वगैरह बनाना रहता है तो मैं थोड़ा जल्दी ही तैयारी शुरू कर देती हूँ वरना मैं थोड़ा लेट से बनाती हूँ तो आज मुझे चावल का छिलका बनाना था तो अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में और अभी मैं चावल को अच्छी तरह से दो तीन पानी से मैं इसे धो लूँगी यहाँ पर मैंने चना भी भिगोया था तो उसे भी मैंने धो लिया है और अब मैं चावल को मिक्सर जार में डालकर उसे मैं पीस लेती हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने मिक्सर जार में चावल डाल दिया है और हम दो बेज में इसे पीसेंगे तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब हम इसे पीस लेंगे तो चावल को हमें बहुत अच्छे से इसे फाइन सा पेस्ट बना लेना है तो यहाँ पर मैंने देखिए अच्छी तरह से चावल को पीस लिया है तो अब इसे हम डाल देंगे एक भगोने में और बाकी के चल जो बचे हैं चावल वो भी हम इसी तरह से हम पीस लेंगे तो अभी देखिए यहाँ पर बेटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो चावल का जो छिलका बनता है ना वो बहुत पतला पतला रहता है तो इसका बेटर भी पतला ही रहना चाहिए देखिए अभी ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है मुझे तो थोड़ा सा हम पानी और मिलाएंगे और थोड़ा सा पतला हम कर लेंगे तो थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और देखिए इस तरह से इतना पतला रहना चाहिए अगर गाढ़ा रहेगा बेटर तो मोटा मोटा बनेगा उसका छिलका इस तरह से रनिंग रहना चाहिए इसका बेटर तो अब हम इसको बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पेन ले लिया है नॉन स्टिक पेन में बहुत अच्छे से छिलका बन जाता है तवा तो को हम एक बार अच्छी तरह से गर्म करेंगे उसके बाद हम एक ब्रश की मदद से इसे हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे आपके पास अगर ब्रश नहीं होगा तो आप कोई सा भी कॉटन का कपड़ा ले लें और उसे आप अच्छी तरह से लगा लें उसके बाद हम एक चम्मच बेटर डालेंगे और उसे चारों तरफ से घुमा देंगे और अब हम ढक्कन लगा कर दो मिनट के लिए हम पकने देंगे तो देखिए यहाँ पर दो मिनट हो गया है छिलका हमारा बनकर तैयार हो गया है छिलका को हमें पलटना नहीं होता है एक ही तरफ से ये पकता है इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की थी आज मैं फिर से शेयर कर रही हूँ देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जालीदार बनता है तो यहाँ पर मैंने दूसरा भी डालकर दिखा दिया है तो इसे भी हम दो मिनट के लिए पकने देंगे उसके बाद हम इसे वापस निकाल लेंगे तो छिलका बनाने में ना बहुत टाइम लग जाता है एक, एक, एक बनता है तो बनाने में बहुत टाइम लगता है इसलिए इधर मैंने साइड में प्याज भी काट रही हूँ क्योंकि मुझे चना को भी फ्राई करना था इसलिए मैं इधर प्याज भी काट रही हूँ जब तक कि इधर बन रहा है तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे हटा लिया ढक्कन को अभी ये पक चुका है तो इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सारे निकाल के बना कर तैयार करेंगे तो देखिए मैंने कढ़ाई में दो चम्मच मैंने तेल गरम किया था उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च और प्याज को मैंने डाल दिया था और साथ ही मैंने करी पत्ता भी डाला था तो इसे हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तो यहाँ पर मैंने दो क्यूब्स अदरक लहसुन का दे डाल दिया है तो अब हम इसे अच्छी तरह से दो तीन मिनट के लिए भूनेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने एक क्यूब डाला है टमाटर का तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे उसके बाद हम ढक्कन लगाकर कर दो मिनट के लिए पकने देंगे ताकि ये डिफ्रोज हो जाए जल्दी से तो यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा दिया है तो दो तीन मिनट के बाद देखिए टमाटर वग़ैरह यहाँ पर डिफ्रोज हो गया है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है नमक लाल मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल दिया है मैंने जो जो आप मसाले खाते हैं वो यहाँ पर आप डाल दें तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे मसाले अच्छी तरह से डालकर मैं यहाँ भून रही हूँ तो इसे हम अच्छी तरह से चार से पाँच मिनट तक भूनेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई लग रहा था मुझे तो मैंने यहाँ पर दो चम्मच के करीब मैंने पानी डाल दिया है तब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढक्कन ढक दक कर हम पकने के लिए छोड़ देंगे देखिए पाँच मिनट हो गया है और यहाँ पर मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है देखिए तेल ऊपर से दिखने लगा है इसके मतलब हमारा अभी टमाटर और अदरक लहसुन वग़ैरह हमारा अच्छी तरह से भुन गया है सारे मसाले तब अब हम यहाँ पर डालेंगे चना तो आप चाहे तो यहाँ इस तरह से आप कुक प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं तो मैंने आज कढ़ाई में ही बनाई है तो अब हम यहाँ पर सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला देंगे चनों के साथ और दो तीन मिनट के लिए हम अच्छी तरह से पहले भून लेंगे उधर हमारा साइड भी साइड हमारा छिलका भी बन रहा था तो देखिए दो तीन मिनट हमने चना को भून लिया था उसके बाद मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है पानी डालकर अब हम लोग टू मीडियम फ्लेम में इसे हम पकने के लिए रहने देंगे तो यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा दिया है और लो फ्लेम हम कर देंगे और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे दस मिनट के लिए दस मिनट के बाद देखेंगे यहाँ पर चना हमारा अच्छी तरह से गल गया है और पानी भी सूख गया है तो इसे हम एक बार अच्छी तरह से मिला देंगे और अब हम इसमें धनिया पत्ता डालकर इसे हम सर्व करेंगे तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा आप और देखेंगे यहाँ पर हमारा छिलका भी बनकर तैयार हो गया है तो अब मैं यहाँ बना रही हूँ चिकन पॉपसिकल तो इसके लिए यहाँ पर मैंने चॉपर में आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया है तो मैंने इसे अच्छी तरह से धोकर मैंने छलनी में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसमें उसके तो बाद देखिए मैंने यहाँ पर हरा धनिया और मैंने पुदीना डाला है साथ ही मैंने एक प्याज डाला है और मैंने यहाँ डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट और अब हम सारे मसाले डालेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने नमक डाला है लाल मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा हल्दी भी डाला है मैंने और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ एक अंडा और एक डाला मैंने यहाँ पर हरी मिर्च और सारे चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा यहाँ पर पिस कर तैयार हो गया है और ये ना वीडियो एक, एक दिन पहले का है इसलिए आपको यहाँ पर कपड़ा चेंज लग रहा होगा तो अब हम यहाँ पर पॉपसिकल बनाएंगे, तो पॉपसिकल ना एक आइसक्रीम की तरह रहता है तो यहाँ पर देखिए मैंने आइसक्रीम स्टिक ले ली है तो अब हम इसे अच्छी तरह से इसमें हम पिरो देंगे और हम अच्छी तरह से इसे आइसक्रीम का शेप दे देंगे देखिए इस तरह से तो और मैंने यहाँ पर एक अंडे में नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला था और उसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया और दूसरी तरफ मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है तो उसे अब हम अच्छी तरह से कोट करेंगे देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से हमें सारे चिकन को अच्छी तरह से हम कोट कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने पैन में मैंने तेल ले लिया है तो ऐसे अब हम लो टू मीडियम फ्लेम में हम इसे फ्राई करेंगे देखिए इस तरह से तेल होना चाहिए बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा चिकन कच्चा है तो ऐसे हम लो टू मीडियम फ्लेम में ही पकाएंगे देखिए इस तरह से जब चिकन को डालेंगे ना तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा बबल होना चाहिए तो एक तरफ से दो तीन मिनट के लिए हम पकने देंगे उसके बाद हम इसे पलट कर और दूसरी तरफ हम पकाएंगे बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में ना पकाएं क्योंकि चिकन ये कच्चा है अगर तेज़ आंच में इसे पकाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी से ऊपर से ब्राउन हो जाएगा पर अंदर से कि ये कच्चा रह जाएगा तो देखिए यहाँ पर तीन चार मिनट हो गए हैं तो इस तरह से हम दोनों तरफ से अल्टी पल्टी करके और इसे हम बहुत अच्छे से हम पका लेंगे तो देखिए यहाँ पर पाँच सात मिनट हो गया है चिकन का पोप हमारा बनकर तैयार हो गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे तो इस तरह से ना आप बहुत ही आसानी से आप घर पर बना सकते हैं और ये ना बच्चे को स्पेशली बहुत पसंद आती है तो यहाँ पर देखिए मैंने चना में थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निशिंग कर दिया है और अब हम इसे और चटपटा बनाने के लिए मैंने डाल दिया है नींबू का रस और अब हम डाल देंगे सेव या भुजिया और इस तरह से ना आप ट्राई करके देखिएगा आप सभी को बहुत पसंद आएगी तो अब हम बनाएंगे चिकन करी जो हम छिलका के साथ खाएंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है और सरसों का तेल मैंने चिकन करी बहुत ही टेस्टी बनती है तो यहाँ पर तेल को मैंने अच्छी तरह से गर्म होने दिया उसके बाद मैंने यहाँ पर चार मीडियम साइज़ की प्याज ली थी मैंने उसे मैंने बारीक काट लिया था और ना ये रोज़ा खोलने के बाद का है क्योंकि उस टाइम ज़्यादा टाइम हो गया था तो मैं उस टाइम नहीं बना पाई तो अभी रोज़ा खोलने के बाद मैं यहाँ पर नमाज़ मैंने पढ़ ली उसके बाद मैं अभी बना रही हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़े से गरम मसाले डाले हैं तो दो तीन मैंने लौंग डाला है और दो मैंने हरी इलायची डाला है और एक मैंने लाल चीनी का टुकड़ा डाला है और दो तीन मैंने तेज़पत्ता डाला था तो सारे चीज़ों को हम तेल में अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद गोल्डन ब्राउन हो गया था प्याज तो मैं यहाँ पर डाल दिया है चिकन चिकन मैंने यहाँ पर आधा के जी लिया है तो अब हम चिकन को बहुत अच्छे से दस मिनट तक भूनेंगे जब तक कि इसमें ब्राउन ब्राउन ना दिखने लगे तो अगर इस तरह से आप भूनेंगे ना तो चिकन का करी रहेगा वो बहुत ही टेस्टी बनती है और चिकन में थोड़ा भी जो स्मेल रहता है ना वो निकल जाता है तो तेज़ फ्लेम में ऐसे देखिए लगातार भूनते रहे देखिए इस तरह से तेल निकलने लगा जो इसका सारा पानी था वो सूख गया है और चिकन अच्छी तरह से हमारा यहाँ पर भून गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर मैंने क्यूब्स में बना कर रखा था वो मैंने डाल दिया अब हम सारे चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिलाएंगे और अदरक लहसुन को हम दो तीन मिनट के लिए अच्छी तरह से हम भूनेंगे देखिए अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले डाल दिया है नमक नमक में थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमें इसे करी बनाना है उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है हल्दी पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर मसाले आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप डालें तो अब हम सारे इस मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो मसालों को अब हम बहुत अच्छे से भुनेंगे चार से पाँच मिनट तक तो देखिए दो तीन मिनट हमने भून लिया है तो ये थोड़ा सा ड्राई हो गया था, था तो इसमें थोड़ा मैंने पानी डाल दिया है तो अब हम सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे बहुत अच्छे से हम भुनेंगे जितना अच्छा से मसाला भुनेगा हमारा चिकन का करी उतना ही अच्छा बनेगा टेस्ट उतना ही आएगा तो देखिए यहाँ पर चार से पाँच मिनट बहुत अच्छे से मैंने भून लिया है देखिए इसमें से तेल सेपरेट होने लगा है तो हमारा यहाँ पर मसाला अच्छी तरह से भुन गया है देखिए इस तरह से तो अब हम इसमें पानी डालेंगे और उसे ढक्कन ढक धक कर हम 10 से 15 मिनट तक हम पकाएंगे जब तक कि चिकन हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी और डाला अगर आप सूखा इसे रखना चाहते हैं तो कम पानी डालें तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है तो अब हम ढक्कन ढक धक कर इसे तो अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम में इसे पकने के लिए छोड़ देंगे तो पंद्रह से बीस मिनट हो गया है अब यहाँ हम ढक्कन हटा लेंगे तो देखिए यहाँ पर चिकन हमारा अच्छी तरह से गल गया है तो आप ना यहाँ पर जितना आप करी रखना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ रख लें अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पानी एडजस्ट करें या तो फिर आप यहाँ पर पानी सुखा सकते हैं अगर कम रखना है तो, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला है इस तरह से लास्ट में डालेंगे ना तो चिकन करी का टेस्ट और बढ़ जाता है तो मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया और दो मिनट के लिए अब हम इसे पका लेंगे तो दो मिनट के बाद देखिए हमारा बिल्कुल हमारा चिकन करी बनकर तैयार हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए तो हमारा चिकन करी बनकर रेडी हो गया तो अब इसे आप सर्व करें तो बस आज के लिए इतना ही है अगर आज की वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें